स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, मेरा आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग बायोलॉजी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लोग फॉर डिफरेंट रीजंस नीट एग्ज़ाम क्लियर करके MBBS में एंट्री नहीं पा सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स मोस्टली BSc बायोलॉजी करके टीचिंग को ही अपना मेन प्रोफेशन समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि विदाउट MBBS भी कई सारे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जिसमें बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड के बारे में बताऊंगा, 5 डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जिसमें बायोलॉजी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट अपना करियर बना सकते हैं। अतः वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और केयरफुल एनालिसिस के बाद किसी भी एक फील्ड में अपना करियर को बनाने के लिए प्लान करें रादर देन सिंपली टीचिंग को सेलेक्ट करने के बजाय। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिशनल मेडिकल थेरेपीज पर कोर्स करना, जैसे कि BAMS, BNYS, BUMS, BSMS और BHMS। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इन सभी एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म दिए गए हैं और ये सारे बैचलर के डिग्री कोर्सेस हैं जिसको करके बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास BSc नर्सिंग, इसमें GNM और ANM दो कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनफैक्ट BSc नर्सिंग के बाद भी आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये है इंडिया के टॉप 10 नर्सिंग कॉलेजेस। के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्लास 12 कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप BSc नर्सिंग में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वन ऑफ दीज जो टॉप नर्सिंग कॉलेजेस हैं इनमें एंट्रेंस मिल सके, जिसके लिए आपको कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू जाना होगा। अगेन मैं आपको स्क्रीन में वो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसको आपको क्लियर करना होगा BSc नर्सिंग कोर्स को इन रिकमेंडेड कॉलेज से करने के लिए। ये सारे एग्जाम्स के फॉर्म की डिटेल्स आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगी, अतः आप केयरफुली इस पर अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं इन एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा सो देट आप वहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके इनके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आपके लिए जो थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर है वो है बी फार्मा और डी फार्मा। ये कोर्सेज करने के बाद आप एक फुल फ्लेज्ड केमिस्ट बन सकते हैं। यहाँ पर बैचलर ऑफ फार्मा और डिप्लोमा इन फार्मा दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आपको बैचलर ऑफ फार्मा जो है डिग्री कोर्स वह बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है। अगर आपने कुछ अच्छे कॉलेज से किया तो आपको बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं यहाँ पे। फोर्थ मेजर ऑप्शन जो आप लोगों के पास रहता है वह है पारामेडिकल कोर्सेज। क्लास 12 के बाद BSc करते दौरान बहुत सारे पारामेडिकल कोर्सेज होते हैं जिसको आप कर सकते हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी है, ऑफ्थाल्मिक टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है एंड सो ऑन। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं अपना सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए। अगेन मैं इनकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा सो दैट आपको इसकी जानकारी लेनी और आसानी हो जाए। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स और बैचलर कोर्स तीनों कोर्सेस अवेलेबल रहते हैं। बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप बैचलर डिग्री कोर्सेज करें, साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स जरूर कर सकते हैं सो दैट आपका रिज्यूम में और अधिक वेटेज ऐड हो जाता है। फाइनली फिफ्थ ऑप्शन आपके पास जो बहुत इंटरेस्ट यहाँ पे मेजर रहता है वह है हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्सेस। अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं तो आपको HR की पोस्ट मिल जाती है जो कि हॉस्पिटल रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसको करने के लिए आपको MBA इन होटल मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स करना भी आपके लिए जरूरी होगा। तो स्टूडेंट्स एंड दोस्तों, ये डिफरेंट 5 ऑप्शन है जहाँ पर BSc के स्टूडेंट्स के लिए, BSc बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप वन ऑफ दिस कोर्सेज के लिए प्रिपेयर हो जाएं, इन केस अगर आप MBBS में सीट नहीं पा सके हैं तो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और इसी प्रकार के अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपको मेरे वीडियोज़ टाइमली बेसिस पर मिलते रहें।